आज हम पनीर की बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनाएंगे जिसे हम 5 से 10 मिनट में बना सकते हैं, और साथ में हम केरी का इंस्टेंट अचार बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। अब ग्रेवी बनाने के लिए हम टमाटर को कुकर में कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं। उसी के साथ हम 10 से 12 काजू ऐड करेंगे, आधी चम्मच सूखा धनिया, आधी चम्मच जीरा, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी ऐड करेंगे और 4 से 5 लौंग ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 2 व्हिसल लगा लेंगे। और ये कुकर 2 लीटर का है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहे तो वहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा हमें चाहिए पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी को भी हम कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर वी शेप स्लाइसर लिया है, तो ये मैंने लोकल शॉप से लिया था इसलिए मेरे पास कोई लिंक नहीं है। उसी के साथ हम टमाटर को भी कट करेंगे, तो टमाटर के हम थोड़े से मोटे टुकड़े रखेंगे और साथ ही साथ हम पनीर को भी छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तोतापुरी केरी ली है, अब केरी को हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब उसी के साथ हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी और स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ पर RRO मस्टर्ड ऑयल लिया है और ये 100% नेचुरल है और इसमें बनाया गया अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। ये तेल आपको डीमार्ट, स्टार बाज़ार, रिलायंस स्टोर में मिल जाएगा और कोई भी नज़दीकी किराना स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। और लिंक और फ़ोन नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ पर भी देख सकते हो। तो तड़का पैन में हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेंगे और इसे हम धुआं निकलने तक गर्म करेंगे। और खड़े मसालों में मैंने लिया है राई, अजवाइन, जीरा और सौंफ। और उसी के साथ हम मेथी की दाल ऐड करेंगे जिसे हम मेथीना कुरिया कहते हैं। और अचार के साथ मैंने यहाँ पर भोज हींग ली है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छी है। तो सबसे आखिर में हम ऊपर थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। और यहाँ पर तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो उसी के साथ हम सारे मसाले ऐड करेंगे और इसे हम केरी के साथ ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा इंस्टेंट अचार रेडी है, आप इसे तुरंत बनाकर तुरंत खा सकते हो। अब यहाँ पर टमाटर और काजू भी अच्छे से पक गए हैं, तो इसे हम मिक्सी जार में निकाल लेंगे और उसी के साथ नमक, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी ऐड करेंगे। तो ये सारे रूटीन मसाले भोज के हैं। कसूरी मेथी ऐड करेंगे और कसूरी मेथी भी भोज की है। थोड़ी सी घर की मलाई ऐड करेंगे, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम का यूज़ भी कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर किचन किंग मसाला लिया है और ये बिना प्याज लहसुन है, तो ये भी भोज का है। तो यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनाने के लिए ग्रेवी रेडी है। अब सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल गर्म करने के लिए रखा है। तेल गर्म हो जाए तो थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे और सूखा लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब उसी के साथ हम पत्ता गोभी और टमाटर ऐड करेंगे। सब्जियों के जितना नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे सब्जी स्पाइसी नहीं बनेगी लेकिन कलर में अच्छी बनेगी। तो इसे हम ढक्कन लगाकर 1 मिनट के लिए पका लेंगे, गैस की आंच मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पर हम सब्जी को भी चेक कर लेंगे। तो भोज के आपको बहुत सारे अलग अलग मसाले मिल जाएंगे और सब बिना प्याज लहसुन है। और लिंक और फोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप वहां से ऑर्डर करते हो तो आपको 18% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर पत्ता गोभी अच्छे से पक गई है और टमाटर को हम ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर के टुकड़े सब्जी में दिखने में अच्छा लगता है। अब उसी के साथ हम पनीर ऐड करेंगे और चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे ताकि पनीर सॉफ्ट हो जाए। अब उसी के साथ हमने जो ग्रेवी बनाई थी वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब सब्जी में एक उबाल आ जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारी झटपट बनने वाली मज़ेदार सब्जी रेडी है। तो यहाँ पर हमारा अचार और सब्जी रेडी है और साथ में बनाया है सिंपल पराठा। तो टिफ़िन के जितना मेरा पराठा भी बन गया है
और पराठा को पैक करने के लिए मैंने यहाँ पर ओडी यूनिरेप पेपर फॉइल लिया है, क्योंकि इसमें पैक किया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या मेटल नहीं है, तो हम इसका बिना टेंशन यूज़ कर सकते हैं और इसका हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। और साथ में है मूंग के पापड़, तो ये मैंने स्टार बाज़ार से लिया था। तो ये है इंस्टेंट अचार और ये है झटपट बनने वाली मज़ेदार सब्ज़ी। तो ये है मेरा आज का टिफ़िन। आज आपने टिफ़िन में क्या बनाया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी आइडिया आएगा।